हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे सीटेट को लेकर, D3SSB को लेकर, बिहार को लेकर, उस पर एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पिछली बार सीटेट का एग्जाम हुआ था, अक्टूबर में फॉर्म भरा स्टार्ट हो गया था भरना और दिसंबर में आपका पेपर हो गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का समय लगा था। अगर मई के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है जुलाई वाला, तो मई, जून, जुलाई, तो जुलाई के लास्ट से पेपर स्टार्ट हो सकता है। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि इस बार नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले 2 बार होता था और इस बार उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब हम सीटेट को साल में 2 बार कंडक्ट कराएंगे और नोटिफिकेशन निकालना कोई इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ऑनलाइन पेपर कराना है तो बहुत ही कम समय में, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, भले से पेपर 1 महीना चले बट उनके साइड से उतनी एफर्ट नहीं डालनी पड़ती है। तो जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज आप अपना कंटिन्यू रखो। जुलाई में होने के चांसेस हैं, इनकेस जुलाई में नहीं होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये वेटेज होगा कि आप आधी चीजें पढ़ चुके रहोगे और दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो आप वहां पर भी जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मई के फर्स्ट वीक में जुलाई के नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। अब देखते हैं कितने हद तक ये सही होता है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पता है वही मैं आपको बता रही हूँ। वैसे भी आप अगर पढ़ाई करोगे तो वेस्ट नहीं जाता है। रही बात बिहार 7 फेज, क्या वो शामिल हो पाएंगे, क्या उनके पेपर से पहले सीटेट का एग्जाम होगा? देखिए, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा तो बोला जाता है, न्यूज़पेपर में हर दिन निकलता है कि जुलाई में नियुक्ति दे देंगे, मई में जो है आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। बट आप सभी को भी पता है कि इसमें कितना लंबा प्रोसेस है। अगर ये बोले कि अभी 2 महीने बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी तो क्या आप इसे भरोसा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हमारा सीटेट नहीं क्लियर है, एक पहले हमें सीटेट देने का मौका मिल जाए, तो अगर जुलाई का एग्जाम हो जाता है देन आप बिहार 7 फेज में भी आप सभी जो है शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है 7 फेज का विज्ञप्ति, सिलेबस, सब कुछ देना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी करते रहो। कौन कौन सीटेट का फॉर्म जो है भर पाएगा, तो चाहे आप बीएड हो, बीटीसी हो, डीएड हो, आप सभी अप्लाई कर सकते हो। आपने जस्ट एडमिशन लिया है, आप एक दिन कॉलेज गए हो, 2 दिन गए हो, आप सभी जो है अलाउ हैं सीटेट में। वैसे भी सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, एक बार आप पास हो जाएंगे उसके बाद से आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से होगी। और रही बात D3SSB की, तो जो लोग D3SSB के बारे में मेरे से पूछ रहे थे, तो देखो D3SSB का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको उसके लिए प्रिपरेशन इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि उसमें आपको नौकरी मिलेगी। एंड जो लोग D3SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे थे कि आप इसके लिए कोई अच्छी बुक्स बताइए, तो देखिए मेरे पास जो है D3SSB का PRT, TGT, PGT, DAS सारे एग्जाम्स के एक ही बुक्स में इंक्लूडेड है। और ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है जो कि आपको एग्जाम कार्ड अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर आपके घर के आसपास किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो है बुक्स बायलिंगुअल है और 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक के सारे प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज दिए गए हैं। ये जो D3SSB PRT की जो आप बुक देख रहे होगे, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है क्योंकि पार्ट बी में 100 नंबर का इसमें से आता है। इसमें आपको 2700 प्लस क्वेश्चंस दिए रहेंगे और प्रीवियस पेपर तो सारे बुक्स में इंक्लूडेड हैं जो मैंने आपको बताया है। पार्ट ए आपको पता है उसमें जनरल पेपर होता है, तो रीजनिंग का है, 1300 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जो कि बायलिंगुअल है और सारे प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज मिलेंगे। वहीं पर हिंदी इंग्लिश है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये है आपका 2400 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताना चाहूँ मैथमेटिक्स, तो इसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, जर्नल अवेयरनेस, इसमें भी आपको 1200 प्लस बायलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर ये सारे बुक्स आप एग्जाम कार्ड के जो वेबसाइट से मंगाएंगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट पड़ेगा, या फिर आप अपने घर के आसपास से भी ले सकते हो। इसको परचेज करने का सारा लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर लेना। और रही बात प्रिपरेशन करने की, तो देखो अगर आपका सीटेट का एग्जाम निकलेगा तभी जाकर आप D3SSB का फॉर्म भर पाएंगे, तो उस पर भी फोकस कीजिए। और जिनका ऑलरेडी निकल चुका है तो आप ये बुक्स से पढ़ के अच्छे से D3SSB में जो है अपनी तैयारी स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि D3SSB का एग्जाम क्लियर करने से आपको एक सरकारी नौकरी मिलती है और हर साल इसकी वैकेंसी आती है जैसा कि आपको पता है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।